अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ऐसी जगह पर जाना है जहां बिल्कुल आपको शांत रहना है, बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालनी है, पिन ड्रॉप साइलेंस आपको रखना है अपने आप को, सांसों की भी आवाज ऐसी आनी चाहिए कि बिल्कुल, तो क्या आप ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां कुछ भी ना हो? खाने पीने के लिए आपने सिर्फ स्टोर किया हुआ रखा हुआ है उसी को खाना हो, तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? क्या आप एक ऐसे प्लेनेट पर रहना पसंद करेंगे जहां पर कुछ ऐसा हो रहा होगा? नहीं ना, ये एक ऐसा ही ट्रेलर अभी दूसरे पार्ट का अनाउंस हुआ है। इस फिल्म का नाम है अ क्वाइट प्लेस। इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने देखा था, ओह माय गॉड, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर मैं इसको देखता हूँ तो। एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ ऐसे मतलब खूंखार चीज़ें आ जाती हैं जो कि ऊपर आसमान से गिरती हैं, और उसके बाद वहां पर अगर आपने थोड़ी सी भी आवाज़ करी तो समझ लो वो तुरंत आ जाते हैं। यानी कि उनकी इतनी सेंसिबिलिटी होती है कि अगर आप यहां से बैठकर हल्की सी भी फुसफुसाहट करके बात करेंगे तो उनके कानों तक तुरंत पहुंच जाएगी, इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है। और इतना ज़्यादा आपको साइलेंट रहना होगा कि आप अगर चल भी रहे हैं तो आपको फूक फूक के कदम रखने होंगे। ऐसी फिल्म है जो आपको बांध ही रखती है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये इसका दूसरा पार्ट है जिसमें जितने भी एक्टर्स हैं ना, ये कमाल के एक्टर्स हैं जिन्होंने एकदम वाकई में वो निकाल के रखा, कमाल की चीज़ें हैं। मतलब दोस्तों, इसका जो पहला पार्ट था वो 2018 में रिलीज़ हुआ था। उसमें जो नज़र आए थे वो हैं जॉन, एमिली, मिलसेंट नोहा, कैड वुडवर्ड। अब इसका सेकंड चैप्टर रिलीज होने वाला है, यानी कि कहा जाए तो उसका सेकंड पार्ट, इसका आगे आने वाला पार्ट। लेकिन इसमें क्या दिखाया जाएगा, इसमें डे वन से कैसे शुरुआत हुई थी कि वो जो जानवर हैं वो कैसे आए, जो कि आदमियों को खा जाते हैं, जो कि एक ऐसे देखने में भयाभय लगते हैं कि आपकी देखते ही हालत ख़राब हो जाए। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें एक पूरा परिवार होता है जिसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उसके दो बच्चे हैं, और वो जो दो बच्चे हैं उनको लेकर एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है। ये समझ लीजिए एकदम बिल्कुल साउंड प्रूफ कैबिन है। अगर आप बात भी करते हैं उस जगह पर तो आपकी आवाज़ उस जगह से बाहर नहीं जाती, और ऐसी वो जगह बनाई है उसके पति ने, और वहाँ पर उसको पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारनी होगी। अब वो कब तक गुजरेगी ये तो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी समय तक रहते हैं। इनका एक और बच्चा हो जाता है, उसको भी वो जो उसकी वाइफ है वो वहाँ पैदा करती है। अब सोचो जब पैदा होता है बच्चा तो कितना ज़्यादा दर्द होता है महिला को, उसके बाद वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन वो जो जितना भी दर्द था उसको एक ताबूत में बंद करके रखा जाता है, उसके बाद वहाँ पर वो अपनी डिलीवरी करती है। सोचो एक साउंड प्रूफ है, उसके अंदर एक और साउंड प्रूफ कैबिन, और उसके अंदर एक और छोटा सा कैबिन जहाँ पर वो अपने आप को बंद करके रखी हुई है, वहाँ पर वो बच्चे की डिलीवरी करती है। ओह माय गॉड, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ कंटेंट आप देखेंगे कि हो जो रोंगटे हिला देगा। इतनी ज़्यादा हॉरर फिल्म है, इतना ज़्यादा सस्पेंसिबल फिल्म है कि आपकी निगाहें अगर आप हटाना चाहेंगे तो भी नहीं हटा सकते। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आज ही जाकर इसका पहला पार्ट देखिए, और अगर आपको हॉरर फिल्म देखने का शौक है वाकई में तो ये कमाल की फिल्म है, अ क्वाइट प्लेस। तो ये था उसके सेकंड पार्ट का रिव्यू जो मैंने आपके सामने दिया। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में और भी तमाम ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। अभी के लिए जय हिंद।